टोडामिम क्षेत्र की गंभीर नदियों जंगर बांध में पानी खुलवाने की मांग को लेकर युवाओं ने बाइक रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक रैली निसोरा गांव से प्रारंभ हुई जो कंचोली लापवाली मुंडिया सलेपुरा भोपुर महमदपुर देवलेन होते हुए तिगराया सिंघानिया कटारा अजीज होते हुए वापस लपवानी पहुंची। बाइक रैली का जगह जगह पर फूलमालाओं से ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। बाइक रैली में सैकड़ों बाइक शामिल भी थी। बाइक रैली में जेल सिंह कंजोली नाथ सिंह नागौर जिला मीडिया प्रभारी किसान यूनियन महेश गुजर महासचिव समय सिंह ठेकेदार जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन करतार सिंह चौधरी भारतीय किसान यूनियन के करौली जिला अध्यक्ष सहित पतराम सुविधान निर्भय सिंह सतेंद्र राकेश विक्रम सिंह आदि शामिल थे। इसी प्रकार गंभीर नदी में पानी खुलवाने की मांग को लेकर रविवार को तिगरिया गांव में शहीद प्रतिमा के पास गंभीर नदी के तटवर्ती ग्राम पंचायतों के सरपंचों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कंजोली सरपंच प्रतिनिधि बहादुर सिंह गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल की बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। लगातार अनावृष्टि होने पर गंभीर नदी में पानी नहीं आने के कारण किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, परंतु सरकार बिल्कुल भी किसानों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को चंबल नदी का पानी बांध में लाना चाहिए और वहां से जंगर बांध एवं गंभीर नदी में पानी खोलना चाहिए जिससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। जगदीशपुर ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि कृष्णा गुर्जर ने कहा कि आज सभी सरपंचों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि गंभीर नदी के तटवर्ती गांवों में नुक्कड़ सभाएं आयोजित करके लोगों को गंभीर नदी के अस्तित्व को बचाने को जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद एक बड़ी महापंचायत क्षेत्र में आयोजित की जाएगी जिसके बाद सर्वसम्मति से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कार्यक्रम में देवलेन सरपंच प्रतिनिधि हरिओम कृष्णा गुर्जर पृथ्वी सिंह सहित लपावली कटारा सिंघानिया महमदपुर महू इब्राहिमपुर निसूर सहित दर्जनों ग्राम पंचायतों के सरपंचों सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।